हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यूपी से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में एक बार फिर रफ्तार का कहर टूटा। यहां पर सवारियों से भरी बस की सीधी टक्कर सामने से आ रहे एक ट्रक से हो गई। इस भीषण हादसे में जहां 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 12 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा। वहीं पुलिस अफसरों के अनुसार हाईवे पर निर्माण कार्य चलने की वजह से एक ही रूट से आने और जाने वाले वाहनों को निकाला जा रहा था, जिसकी वजह से बस और ट्रक आमने सामने आ गए और ये भीषण हादसा हो गया। वहाँ पर अयोध्या से लखनऊ रूट पर एक तरफ एनएचआई का काम चलने की वजह से वो रास्ता बंद है। एक ही साइड से दोनों तरफ की ट्रैफिक चल रही है। इसी ट्रैक पर अयोध्या से जाने वाली एक बस से एक भारवाहक बड़े ट्रक से जो लखनऊ की तरफ से जा रही थी साइड से टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई है और कई लोग, एक दर्जन से अधिक लोग घायल हैं, जिनका सीएससी रामसनेही घाट पर इलाज चल रहा है। मौके से जो जाम की स्थिति नहीं बनने दिया गया, सबको हटा दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मिल रही जानकारी के मुताबिक रामसनेही घाट कोतवाली क्षेत्र के अयोध्या लखनऊ नेशनल हाईवे पर अयोध्या डिपो की रोडवेज बस जा रही थी। इस बस में करीब 24 यात्री सवार थे। वहीं जब बस अयोध्या बॉर्डर स्थित नारायण ढाबा के पास पहुंची, तो सामने से आ रहा एक तेज रफ्तार ट्रक सीधे बस से आ टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई यात्री बस से निकलकर बाहर आ गए। इस भीषण हादसे में बस में सवार करीब 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। वहीं हादसे की खबर मिलते ही पुलिस भी तुरंत ही मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने सभी घायलों को रामसनेही घाट स्थित सीएससी पहुंचाया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए लखनऊ के रहने वाले राधेश्याम गुप्ता, सुनील कुमार, रवि कुमार चौहान, विवेक, विनीत सक्सेना और अम्बेडकर नगर की शोभा, गोंडा जिले की रिया पांडे, मेरठ से महेश तिवारी, अयोध्या जिले के राजमेल गौतम के साथ बाराबंकी के रहने वाले शैलेंद्र कुमार और कमलेश कुमार को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस भीषण हादसे में बस में सवार घायल शोभा, विनीत सक्सेना, राजमेल गौतम को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं अस्पताल में भर्ती 8 यात्रियों में 3 को लखनऊ ट्रामा सेंटर भेजा गया है। वहीं इस हादसे पर एसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि रामसनेही घाट कोतवाली क्षेत्र के निकट एनएचआई की ओर से हाईवे का निर्माण कार्य होने की वजह से आने और जाने वाले वाहनों को एक ही तरफ से निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से ही ये भीषण हादसा हो गया। संवाददाता रौनक सिंह की रिपोर्ट, बाराबंकी, यू न्यूज़, यूपी।